चुनौती। साक्षरता ही है सफलता की कुंजी इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती। इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती चुनौती। भाइयों और बहनों, आप सबको रागेश अस्थाना और नेहा शरद का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग आपके लिए, खास आप लोगों के लिए, जी बिल्कुल खास आप लोगों के लिए लाए हैं एक नया और अनोखा प्रोग्राम जिसका नाम है चुनौती। यहाँ कुछ सरल से खेल होंगे जिससे पता चलेगा आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का। जी हाँ बिल्कुल, और खेल ही खेल में आप अंदर छिपे हुए, अपने अंदर छिपे हुए चैंपियन को ढूंढ पाएंगे जो कि है हम सबके भीतर, लेकिन कभी कभी हमें उस चैंपियन का एहसास नहीं होता। तो मिलते हैं पहले हम दोनों टीमों से जो आज यहाँ खेलेंगी, चेतना और प्रेरणा। सबसे पहले मुलाकात कराते हैं चेतना टीम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील है। जमील, आप क्या करते हैं? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप? संजय। संजय, आप क्या करते हैं? मैं पुलिसगिरी करता हूँ। नेहा जी, क्या आपको मालूम है कि अर्जुन युद्ध कैसे जीता था? कृष्णा जैसे सारथी, हेल्पर जो उनके साथ थे। और हमारे पास भी आज एक हेल्पर है। चलिए मिलते हैं प्रेरणा टीम से। क्या नाम है आपका बेटा? दारापीर। दारापीर, वाह वाह, क्या करते हैं आप? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकार नगर। सरकार नगर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? चौथी। वाह वाह वाह। आपका नाम? आमिर खान। आमिर खान, ऑटोग्राफ देंगे सर? क्या करते हैं आमिर भाई? जी स्कूल पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? गांधीनगर। गांधीनगर, कौन सी क्लास में? पांचवी। इन दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां। हमारे आज के विजेता, मतलब जो टीम आज जीतेगी वो हमारे अगले प्रोग्राम के विजेता के साथ पहला सेमीफाइनल खेलेगी। चेतना और प्रेरणा टीम जो खेल अलग अलग खेलेंगी उन्हें हम टीम गेम कहेंगे, और जो दोनों मिलकर खेलेंगी उन्हें ग्रुप गेम या सामूहिक खेल कहा जाएगा। प्रेरणा और चेतना अलग अलग गेम खेल रहे हैं तो उन्हें दिया जाएगा 60 सेकंड, यानी कि पूरा एक मिनट। और जब ग्रुप गेम यानी कि दोनों टीम एक साथ इकट्ठा खेलेंगे तो उन्हें दिए जाएंगे 90 सेकंड, यानी पूरे 1.5 मिनट। और हाँ, एक बात और, समय समाप्त होते ही एक बेल, एक बजर बजेगा, जैसे बिल्कुल इसी तरह। चलिए सबसे पहले हम खेलेंगे पहला गेम, वो है आप यहाँ कबड्डी खेलेंगे? बिल्कुल, लेकिन इस गेम का नाम सिर्फ कबड्डी है ये बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा अनोखा सा खेल। देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, इस लाइन के इस पार हमारी प्रेरणा टीम होगी और इस लाइन के इस पार चेतना टीम। ये बीच में जो सामान रखे हुए ये क्या है, और ये दोनों लाइनें जो खींची हैं वो? हाँ बिल्कुल, अभी बताता हूँ। ये जो चीजें रखी हुई हैं, या तो मैं इनका वर्णन करूंगा या इनका सिर्फ नाम बताऊंगा। आप लोगों को इन चीजों को पहचान कर अपने लाइन वाली जगह पर ले जाना है, मतलब सुरक्षित घर। और एक बात, जब आप इन चीजों को पहचानेंगे और अपने पार ले जाएंगे तो उस टोकरी में रख देंगे। एक एक चीज के आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे। और हाँ, चीजें उठाने के बाद दूसरी टीम ने अगर आपको आपके लाइन के पार जाने से पहले छू लिया तो वो चीजें फिर इसी लाइन के अंदर आ जाएंगी और आपके अंक भी काट दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला खेल कबड्डी। आपका समय शुरू होता है अब। 10 फुट लंबा खेत में उगता है, इससे शक्कर भी बनती है और इसे हमें खाते भी हैं। दौड़ा दौड़ा समझो क्या है। चलिए अब दूसरा क्लू, होता है लाल रंग का, सब्जी में काट के डालते हैं लेकिन उसे फल कहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फूलों की तरह होता है वो, लेकिन है वो सब्जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
रंग होता है उसका काला। कहते थे पहले कि मुझसे कोई फायदा नहीं, लेकिन पता लगा बहुत रोचक है, तब भी है वो। हरा हरा रंग का उगता है पेड़ पे, जब पकता है तो बहुत मीठा और जब कच्चा हो तो बहुत खट्टा। हम उसे जब लटकाते हैं, मतलब तस्वीरों को, तो कीलों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कीले कीले ठोकने के लिए कुछ भी चाहिए ना, क्या है? वापस रख दीजिए। हम उस चीज को इस्तेमाल करते हैं ताकि चीजें खट्टी हो जाए, होता बहुत छोटा सा, पीले रंग का, कभी हरे रंग का। समय समाप्त होता है, अब देखते हैं किसको कितने अंक मिले हैं। चलिए अपनी अपनी टोकरी ले आई। चेतना टीम को मिले हैं 1, 2, 3, 5 50 अंक, और 20 अंक इनको मिले हैं, यानी कि प्रेरणा टीम। चलिए आइए बैठिए। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे खेल की तरफ, जो कि है बढ़ते कदम। देखिए ये ट्रैक है, यानी कि पथ। इसमें आपको करना क्या है कि ये जो पैरों के निशान जो कि खड़ाऊ की तरह हैं, इनको आपको आगे रखना है और उस पे अपना पैर रखना है। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है, समझ गया? जैसे ही आप गिरे या आप छूट गए इस जगह से, तो आपका साथी आपकी जगह आ जाएगा, और इसी तरह जो ट्रैक में सबसे ज्यादा आगे जाएगा उसे उतने ही अंक मिलेंगे। अगला राउंड, बढ़ते कदम। चलिए शुरू कीजिए, समय होता है शुरू अब। अरे वाह, तालियां भाई। बड़ी जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आ जाइए यहाँ, अब यहाँ से शुरू कीजिए, इसमें पाँव रखिए, शुरू कर दीजिए जल्दी जल्दी, टाइम की भी तो सीमा है हमारी। नहीं, आउट हो गए। चलिए इनको मिले हैं पूरे 35 अंक। चलिए अभी प्रेरणा टीम के साथ खेलते हैं। चलिए आइए आइए प्रेरणा टीम, अपनी जगह पर आ जाइए। आप में से पहले कौन जाएगा? आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आइए आप, जल्दी जल्दी। ओके आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड, फर्स्ट फर्स्ट। हाँ बढ़िया बढ़िया, चलते रहिए चलते रहिए। लेकिन हाँ हाँ ध्यान रखना, उसका हाथ कहाँ जा रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू आर एक्सीलेंट। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छा। ये तो 35 से भी आगे निकल गए। अभी बहुत समय है, चलते रहिए चलते रहिए। इन्हीं के हाथों जाने वाला है। अब ये हो गया पूरा, 100 के पास पहुंच रहे हैं आप। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात है, जल्दी, कम ऑन कम ऑन। चलिए तालियां बजाइए। 100 पार कर लिया, पूरे 100 बना लिए। समय खत्म हो गया। हाँ तो नेहा जी, हाँ जी, आप दर्शकों को ये बताइए कि हमारे दोनों टीमों ने कितने अंक बनाए? देखिए चेतना टीम ने बनाया है 85 अंक और प्रेरणा ने 120। वाह। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि असंभव यह शब्द सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान में वो शक्ति होती है
वो चाहे तो आसमान को छू सकता है या फिर गंगा को नीचे उतार ला सकता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। पहले इस गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था और कुछ बच्चे तो स्कूल इसीलिए नहीं जाते थे कि उतनी दूर कौन जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आज यहाँ स्कूल है, पाठशालाएं हैं, कॉलेज भी है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों में शिक्षा प्राप्ति करने की लगन थी, निष्ठा थी, इरादा था। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई नहीं चुरा सकता और इसकी कोई आयु सीमा भी नहीं होती है। नेहा जी, कितना अच्छा होता कि हमारे पाठशालाओं में हम संगीत का भी उपयोग करते, मतलब बच्चे पढ़ते पढ़ते संगीत का भी मजा लेते और पढ़ाई का भी। हमारे तीसरे राउंड में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। हम खेलने जा रहे हैं अक्षर अंताक्षरी, दोनों टीमों में से किसी को भी गाने का आखिरी शब्द याद रखना और आखिरी शब्द का आखिरी अक्षर। मसलन मैं गाकर दिखाता हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, धरती पे रुक गया। अब धरती आखिरी शब्द हुआ और आखिरी अक्षर हुआ, तो आपको यहां से वो अक्षर यानी कि त अक्षर उठाकर वहां उस बोर्ड पर लगाना, ठीक है? आप लोग तैयार हैं? गाना खत्म होने से लेकर बोर्ड पे अक्षर लगाने तक आपको मिलते हैं सिर्फ 20 सेकंड। अब हम पहला गाना सुनवाते हैं, शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी लेकर आइए, आखिरी कक्षा लेकर आइए और वहाँ पे लगाइए। दौड़िए दौड़िए दौड़िए। समय खत्म हो गया, आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम दूसरा गाना सुनाएंगे। क्या बात है? ध्यान से सुनना, कान खोलकर। समय समाप्त हो गया। इतना अच्छा राउंड था। आइए बैठ जाइए। कोई बात नहीं। आइए आइए। कोई बात नहीं। चलिए अभी तीसरा गाना शुरू होगा। फिर से मौका है आपके पास में, ध्यान से। तीसरा गाना चलिए शुरू कीजिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाते हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। जल्दी जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, जल्दी लगाइए। अरे वाह, आइए। अब बारी है प्रेरणा टीम की, इन्हें गाना सुनाइए। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने तालियां, तो चलिए चेतना के लिए गाना सुनाएं। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की दुनिया, ये मेरा इंडिया। आइए जल्दी जल्दी, 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड है।
अक्षर ढूंढे हैं। ये तो नहर और कमल बन गया है। लो, देख लीजिए आप। इस राउंड में चेतना और प्रेरणा टीम को बराबर के अंक मिले हैं, मतलब 300 और 300। और अब तक के लेकिन टोटल स्कोर हुआ है 385 चेतना का और प्रेरणा 420 पे है। अब हम शुरू करते हैं अपना चौथा खेल जो कि है प्रश्नावली। जी हाँ, अब मैं ढेर सारे प्रश्नों की बौछार आप पे करने वाली हूँ। आपके पास में हर सवाल का उत्तर देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है और मैं सवाल पूछूंगी 6, यानी कि आपके पास है 60 सेकंड। चेतना टीम के लिए, भारत में एक लाल किला दिल्ली में है, दूसरा लाल किला कहाँ है बताइए। 10 सेकंड है आपके पास। मुंबई में। गलत। सूरज पहले कहाँ उदय होता है, कलकत्ता में या मुंबई में? मुंबई में। गलत। भैंस का दूध ज्यादा गाढ़ा होता है या गाय का? भैंस का। सही है। स्कूल के मुखिया को क्या कहते हैं? गुरुजी। और कोई नाम? और सोचो। प्रिंसिपल। हाँ, प्राध्यापक। गुलाबी नगरी किस शहर को कहते हैं, जल्दी बताओ। चलिए, फलों के राजा किसे कहते हैं, ये तो मालूम होगा। हाँ, वेरी गुड। दो सवालों का इन्होंने सही जवाब दिया है। तो आइए अब हम पूछते हैं प्रेरणा टीम से। प्रेरणा टीम, आप जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। इलाहाबाद में कितनी नदियां आकर मिलती हैं? बहुत अच्छे, 3 नदियां मिलती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी जल्दी। गांधी जी। नहीं, गलत है बेटा, है कैसे आएगा, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, समय समाप्त हो गया। समय समाप्त हो गया। महाकुंभ का मेला कितने सालों बाद होता है? 12 साल के बाद में। गलत। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर, वेरी गुड। तालियां बजाइए। वाह वाह वाह। अच्छा, इंडिया गेट कहाँ है? बहुत अच्छे। चेतना टीम ने सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, इनको मिलते हैं 20 पॉइंट। और प्रेरणा ने 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो इन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल स्कोर क्या हुए हैं। चेतना के हुए हैं 405 और प्रेरणा के हुए हैं 450। मतलब यह है कि प्रेरणा अभी 45 अंक आगे है। आपको जल्दी जल्दी भागना है भाई। राकेश जी, आपको एक बात पता है क्या? आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हाँ। वो कैसे? आपको मालूम है ये एम्बुलेंस शब्द जो लिखा होता है वो गाड़ी पे उल्टा क्यों लिखा रहता है? ये मैं भी सोचता था कि ये उल्टा क्यों लिखा होता है। मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ। असल में वो बात ये है कि अगर एम्बुलेंस को, चलती हुई एम्बुलेंस को कोई गाड़ी वाला पीछे से अपने कांच में देखे, अपने आईने में देखे, तो उसे सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई दे। इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। तो हमारा अगला खेल भी उसी से संबंधित है। आप कहना चाह रही हैं प्रतिबिंब? जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए आप लोग, ये एक बड़ा सा आईना आपके सामने है। हम यहाँ कुछ अक्षर रखेंगे और आपको प्रतिबिंब में पहचानना है कि वो अक्षर कौन से हैं। अगर आपने सही बता दिया तो आपको 50 अंक मिलेंगे और वो अक्षर देखकर अगर आपके साथी ने से इस भीड़ में से कोई अक्षर ढूंढ लिया तो उसे भी 50 अंक मिलेंगे। समझ गए खेल? यानी टीम को पूरे 100 मिल सकते हैं पॉइंट। और आपके पास समय है 60 सेकंड का। समय आपका शुरू होता है अब। जाइए, यहाँ पीछे देखिएगा नहीं, आप सीधे सामने जाइए और बताइए कि अक्षर क्या है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए।
रुकिए जल्दी रुकिए, समय आपके पास बहुत कम है। चलिए संजय जी जल्दी ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। डा कहाँ है डा भाई, क्या ढूंढ रहे हैं आप? चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरा अक्षर। दूसरी टीम आएगी, आइए चलिए बैठिए। रखिए तो यहाँ पे, बिना पीछे देखे सीधे सामने जाके प्रतिबिंब में देखिए कि ये अक्षर क्या है, और बताइए क्या है ये अक्षर। ढूंढना शुरू कीजिए आप। अरे उल्टा नहीं लिखना है, सही शब्द क्या है वो बताना है आपको। चलिए अब हम आपको दूसरा अक्षर देते हैं। आपने कहीं पीछे से मुड़ के नहीं देख लिया? देखिए ये क्या है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप ढूंढिए। अरे इन्होंने ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 200 अंक आपके हो गए। और अब मैं आपको टोटल नंबर बताती हूँ, जो कि चेतना टीम के है 505 और प्रेरणा टीम के है 650। कुदरत ने ऐसी कौन सी चीज हमें दी है जो पैसों के लिहाज से तो बहुत सस्ती है, लेकिन है बहुत अनमोल, क्योंकि उसके बगैर हम जी नहीं सकते, और आजकल उसकी कमी भी बहुत। कहीं आप पानी की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल पानी। आज हमारे देश के कई कोनों में पानी की बहुत बहुत कमी है। हमारे छठे राउंड में यानी छठे भाग में हम ऐसे ही कुछ खेल खेलने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आप पानी को बचाते बचाते संभालते संभालते एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते हैं। देखिए वहां सामने एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें पानी, उसे आप पनघट समझिए। अब आपको इस छोटे से बर्तन में, देख लीजिए, इस छोटे से बर्तन में पानी भरकर यहां आकर एक प्रतियोगी को, अपने साथी को प्लेट यहां से देनी। अब दूसरा साथी जो है वो प्लेट लेगा, लेकिन घुटने पर चलकर वहां इस तरह घुटने पर चलकर पानी उस जार में डालेगा। अब देखना यह है कि आप में से, दोनों टीमों में से सबसे ज्यादा पानी कौन भरता है उसमें। जितना पानी आप भरेंगे उतने ही अंक आपको मिलेंगे। और हाँ, इस खेल के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 60 सेकंड। समय आपका शुरू होता है अब। जाइए जल्दी चलिए, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी भागिए वहां पे, जल्दी जल्दी, आपका साथी आ गया। आइए आइए जल्दी आइए। संजय संजय थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, एक मिनट का समय है सिर्फ। आइए बेटा आइए, जल्दी आइए। प्रेरणा आइए, प्रेरणा जी आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी आइए आइए। आमिर खान संभाल के, आप पहले हाथ नहीं, वो हाथ बढ़ाइए, वो हाथ बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाइए,
अच्छे चलिए जल्दी पानी संभाल के बाघ इसलिए इतना गिरा गिरा के ले जाएंगे तो वहां पे क्या पहुंचेगा जल्दी भागे जल्दी 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 अब देखते हैं दोनों टीमों में से कौन जीता है तो अब अंक मिलते हैं प्रेरणा को ज्यादा तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि फाइनल स्कोर क्या हुए हैं चेतना टीम को मिले हैं 555 और प्रेरणा टीम को 730 यानी कि आज के विजेता है प्रेरणा टीम आमिर और दारापीर शिक्षा ही हमारे जीवन को का खा गा का मार्ग दिखाती है तभी हम जीवन की हर स्पर्धा में किसी भी चुनौती भरे प्रश्नों के उत्तर हंसते खेलते दे सकते हैं आप शिक्षित हैं तो पहचान में जरा भी देर नहीं लगेगी आपको आपकी मंजिल की राह सुझाती है आप में सही अक्षर समझने की शक्ति पैदा करती है जिस तरह पानी हमारी जिंदगी है पढ़ाई लिखाई एक खुशहाल जिंदगी है भाई और बहनों हम इस खेल के सिलसिले को जारी रखेंगे आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह इसी रोज और इसी समय तब तक के लिए चुनौती साक्षरता ही है सफलता की कुंजी इकलौती चुनौती अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती चुनौती